उहदे नुमाइंदे दो कैबिनेट मंत्री, तीन MLA, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दिशा निर्देश दे उत्ते उन्होंने आके गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच, संगत की हाजरी दे विच विश्वास दवाया। उन्होंने बहुत वड्डियां वड्डियां उत्ते गल्लां कहियां लिखती रूप दे विच, स्टेज दे उत्ते बोल के। वह गल्लां मैं इत्थे नहीं बोलनियां, तुसीं जो वीडियो वेख सकदे हो। बई साडी बेनती मन्नो, तुसीं मोर्चा एक बारी चुको। असीं बहुत जल्दी असीं पूरे दियां पूरियां जिहड़ियां मंगां है उन्हां दा असीं हल करांगे। सारी संगत ने, सारे सिखां ने सलाह करके वह मोर्चा जिहड़ा उहदा पहला पड़ा जिहड़ा वह खत्म किया। सरकार नूं एक मौका दिता कि सरकार इंसाफ करे। बहुत समां डीकिया, कीता तो हैगा कुछ, पर वह नहीं किया जो संगतां दी मंग सी, जां पूरा नहीं किया। इस करके समां भी दिता, गल्लां भी सुनिया, सिख संगत दा रोस भी बहुत होया, सारा कुछ आपां सुनिया। पर जदों ये जापिया कि ये भी सरकार पहली सरकार वांग दोषियां दे नाल रली हुई है, दोषियां नूं बचाउणा चाहुंदी है, ते पंथ दे नाल, कौम दे नाल इन्हां ने छल कीता है। सो उस तो बाद पहला अपनी गलती सुधारन दे वास्ते जिहड़ा सी विश्वास कीता, दास श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते पेश होया, उत्थे अरदास कीती संगतां कोलों ते गुरु साहब दे कोलों माफ़ी मंगी कि असीं गलती कर बैठे हाँ, जिहड़ा इन्हां ते विश्वास कीता ते साडी गलती परमात्मा माफ़ करे। और उस तो बाद फिर जदों लखां दे कठ दा इन्हां दे उत्ते कोई असर नहीं होया, ते फिर जिहड़ी साडी पंच प्रधानी धार्मिक मर्यादा अकाल तख्त साहब दे मुताबक, क्योंकि समुचे खालसा पंथ ने भाई जगतार सिंह हवारा की गैर हाजरी च दास नूं कार्यकारी अकाल तख्त साहब के जथेदार की सेवा जिहड़ी वो दित्ती है, उहदी वरतों करदे आ। ये जिहड़ी पंज मैंबरी उत्थे टीम आई सी, इहनूं असीं अकाल तख्त साहब के उत्ते तलब किया। दो पेशियां पईआं पर वो नहीं आए, एक चिट्ठी उन्होंने भेजी, उहदे विच भी उल्ट पुल्ट एक होर गलती कीती उन्होंने लिखिया। उस तो बाद असीं उहनां नूं 20 अगस्त की लास्ट जिहड़ी तारीख आ फैसले की वो दित्ती, पर उस तो पहला अज इत्थे 17 तरीक जिहड़ी गुरद्वारा हाजी रतन बठिंडे संगतां नूं दित्ती सी, ये पंथ का नुमाइंदा कट है। इहदे विच वड्डी गिणती विच अज संत महापुरश, वकील साहिबान, बुद्धिजीवी, सारे दमदमी टकसाल के मुखी सारे आए ने। उन्हां तों राय मंगी है वो दसन, प्रेस नूं दसन, मैनूं दसन बई इस बंदे का कसूर है कि साडा नहीं कोई कसूर। पर जिहड़ी गल मैं अगे हुण बोलनी चाहुंदा सी मैं रोक दित्ती है, इस करके नहीं मैं बोल रहा, वो मैं बोलनी है 20 अगस्त नूं वड्डे। मैं कहना जी व्यक्तिगत तौर दे उत्ते वड्डे तों वड्डा कोई भी होवे, अकाल तख्त साहब नालों कोई वड्डा नहीं हो सकता। देखो मैं जथेदार है या नहीं, मैं जथेदार है या नहीं है, ये तो खालसा पंथ ने फैसला किया। कदे बंदे दे कहन दे उते एहो जिहियां गल्लां नहीं हुंदी, दे कहन दे उते एहो जिहियां गल्लां नहीं हुंदी। देखो जी मैं सियाने कहिंदे ने कि समय तो पहला मौजे नहीं लाने चाहिए, मैं यही किया हुण भी बोलदे आ कि जिन्हां ने मेरा साथ दिता है वो मेरे बड़े अजीज ने, ते मैं आने वाले समय दे विच किसी दे भी विरुद्ध कुछ नहीं बोलना हैगा। जिहदा होर भी जी करदा मेरे विरुद्ध कोई बोलना चाहुंदा है
तो बोल सकता है, खुली किताब है, मेरा जीवन एक खुली किताब है, जो मर्जी बोलो, जो मेरी सेवा लगी है, क्योंकि साढ़े परिवार का एक समा सी जां एक अध्याय आ कि जदों पंथ नूं लोड़ पई असी सिर दित्ते ने, ते हुण गुरु साहब की अपनी बेअदबी हुई है, फिर हुण असी भजन वाले तो है नहीं, हुण भी असी पंथ की जिहड़ी सेवा लगी है उहनूं असी बाखूबी निभावांगे। जिहड़ियां धिरां तुहाडे नाल उदों वरकारी मोर्चे सी उह अज नहीं आईआं इत्थे, यूनाइटेड अकाली दल आ, मान दल आ, जां होर कई धिरां ने, साथी जथेदार भाजपा नाल नेड़ता वधाई जांदा, उह की कहना सर? देखो, मेरे सारे साथी सी, सारे साथी है, मेरे मुताबक सारे साथी रहणगे। नहीं भावें उह भाजपा नाल ही ने, कोई गल नहीं जी, संगतां देखो कदी भी गलत फैसला नहीं करदियां, जो संगतां फैसला करनगियां, जे मैं कल नूं कोई गलती करूँगा, हुण देखो बरगाड़ी मोर्चे दी सारी जिम्मेवारी मेरे ते आई, ते जे हुण संगतां दे विच रोस आ ते मैं चुप करके उहनूं सुणिया है, मैं कोई किसे दा विरोध थोड़ी कीता जां मैं किसे दा जवाब नहीं दिता। वैसे भी जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहिब दा जथेदार हुंदा है ना, सारा पंथ उहदा परिवार हुंदा है, उह कौम विरोधी जिहड़ियां शक्तियां उहनां दे विरुद्ध लड़दा है और कौम नूं उच्चा चुकन वास्ते उह सही सेध दिंदा है, ते कदी भी उह किसे नूं स्पष्टीकरण नहीं दिंदा, किसे एक बंदे नूं एक धड़े नूं जे उह स्पष्टीकरण दिंदा है, ते सारी जदों संगत इकट्ठी हुंदी है जां सरबत खालसा इकट्ठा हुंदा है, फिर उहदा फर्ज बनदा है कि उत्थे स्पष्टीकरण देवे। सो इस करके जिन्हां ने मेरा साथ दिता उन्हां ने आने वाले समय में भी देना है, असी इकट्ठे हो के सारे चले हैं तो चलांगे भी, कोई इहो जी भांडे खड़कदे हुंदे ने आपां इन्ने काले ना पईए। जे परिवार दे मुखी नूं पता होवे वी परिवार दा इक मैंबर विरोधियां नाल रल गया ते उहदे ते वी चुप, इह तां फिर कौम नाल नहीं होवे ना जी। देखो समां आउण दिओ, समय दे मुताबक हर गल दा जिहड़ा जवाब आ पंथक मर्यादा दे मुताबक उह दित्ता जाऊगा। निजी तौर दे उत्ते किसे दे हमले नूं मैं आप दे उत्ते कोई हमला नहीं मनदा, और निजी तौर दे उत्ते मैं किसे बंदे दे उत्ते अपना हमला नहीं करदा। मतलब समां कदों आऊगा, आए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आए जो मोर्चे लाए आ रहे हैं, कदों समां आएगा? सरकार ने जो करना सी कर दित्ता, धरना चुकाता, मोर्चा चुकाता, तुसीं कहिंदे हो सिख जत्थे नूं नाल लेण दे उत्ते, पानी समां आएगा? अज वी तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, पानी निकले नहीं अज वी? मैं कहिंदा पानी वेखो, पानी की धार वेखो, बड़े मोर्चे लगे, बड़े दुखांत कौम ने सहे, बड़े कौम के उत्ते घलू घरे वापरे, पर यह जिहड़ा खालसा पंथ आ यह कदी भी मरिया नहीं ना खत्म होया, इन्हें चढ़दी कला च अज साडे वर्गे है ने, कल नूं साडे वर्गे ना होणगे दा मतलब यह नहीं हैगा कि कौम खत्म हो जूगी। ये गुरु महाराज ने शक्ति ऐसी भरी है, पावर ही इन्नी दिती है खालसा पंथ के खून दे विच, इन्नी पावर भरी हुई है कि यह कभी भी हार मनदा नहीं हैगा। हार जाना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी, हार नू कबूल कर लेना सब तो वड्डी गल हुंदी है। खालसे पंथ ने कभी हार नहीं कबूल की, इन्हें हमेशा इहदा जिहड़ा सुपना वह जित्ता ही रही है, तो इन्होंने वड्डे वड्डे राज भाग भी हंडाए ने, कोई इहो जी गल नहीं है।